हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान हाई कोर्ट क्लास फोर रिक्रूटमेंट 2019 की। जैसा कि फ्रेंड्स थंबनेल में आपने देखा कि राजस्थान में फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती है राजस्थान हाई कोर्ट की, वो 3678 पोस्ट के लिए जारी कर दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि इसके जो फॉर्म है वो 18 नवंबर से जो है इसके फॉर्म भरने चालू हो गए हैं 18 नवंबर से। और फ्रेंड्स इसकी अगर हम लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो यह 17 दिसंबर तक जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ये इसकी लास्ट डेट है। इसके ऑनलाइन फॉर्म जो फ्रेंड्स आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। और फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें कि इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो बेस क्या रहेगा, तो फ्रेंड्स इसमें क्वालिफिकेशन है वो 10th स्टैंडर्ड रहने वाला है। पहले तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो फॉर्म भरते टाइम इन कैटेगरी का उनको पता नहीं होता कि कितनी कैटेगरी वाइज पोस्ट है और वो फॉर्म भर देते हैं और बाद में पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स खास तौर से यह वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है जिन फ्रेंड्स को कैटेगरी का पता नहीं है कि कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो कितनी निकली है। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊँगा कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट क्लास फोर जो है रिक्रूटमेंट उसके लिए जारी हुई है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देवे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नॉन TSP जो एरिया है, नॉन TSP के लिए जनरल की जो पोस्ट है वो है फ्रेंड्स 1281 पोस्ट जनरल की है। फ्रेंड्स 1281 पोस्ट जनरल के लिए इसमें निकली है। अगर फ्रेंड्स इसमें हम OBC की बात करें तो यह जो नॉन TSP एरिया है उसमें इसमें OBC की पोस्ट है 534 पोस्ट। अगर हम फ्रेंड्स MBC की बात करते हैं तो MBC की फ्रेंड्स इसमें है 158 पोस्ट। और EWS जैसा कि इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो इसमें पोस्ट है वो है 326 पोस्ट। अगर हम इसमें बात करते हैं कि SC की जो पोस्ट है फ्रेंड्स, तो SC की पोस्ट फ्रेंड्स 472 पोस्ट SC की है। और ST की फ्रेंड्स इसमें है 388 पोस्ट। अब फ्रेंड्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इसमें नॉन TSP एरिया, इसके लिए टोटल अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यह है टोटल है 3159। मीन्स सबसे ज़्यादा जो है वो नॉन TSP एरिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए पोस्ट है। अब फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है TSP एरिया उसमें कितनी जो है वो कैटेगरी वाइज पोस्ट है। तो इसमें फ्रेंड्स जनरल के लिए है 9 पोस्ट, OBC के लिए 0 पोस्ट, MBC के लिए 0, EWS जो है उसके लिए 14, और SC के लिए 6, और यहाँ पे ST के लिए है 62 पोस्ट। तो टोटल अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स ST के लिए 62 सबसे ज़्यादा जो है वो TSP एरिया में ST के लिए यहाँ पे पोस्ट है। और टोटल जो यहाँ पे पोस्ट है वो है फ्रेंड्स 151 यहाँ पे टोटल पोस्ट है TSP एरिया के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसमें नॉन TSP की कितनी पोस्ट है। तो फ्रेंड्स नॉन TSP में सबसे पहले हम कैटेगरी की बात करते हैं जनरल की, तो है इसमें 149 पोस्ट, OBC की इसमें है 68। उसके बाद हम फ्रेंड्स MBC की जो है इसमें 17, EWS की है 28, EWS की फ्रेंड्स 28, और SC की इसमें है फ्रेंड्स 53, और फ्रेंड्स इसमें ST की है 30 पोस्ट। अगर हम टोटल पोस्ट की यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो टोटल पोस्ट है वो 345 है। फ्रेंड्स ये डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी जो है नॉन TSP के लिए 345 पोस्ट है टोटल। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो TSP एरिया में किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। तो फ्रेंड्स इसमें जनरल के लिए है 12 पोस्ट, OBC के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, MBC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है, SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, और फ्रेंड्स यहाँ पे ST के लिए 11 पोस्ट है। तो फ्रेंड्स टोटल जो है पोस्ट है वो 23 पोस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है TSP एरिया के लिए टोटल पोस्ट है वो 23 पोस्ट है। फ्रेंड्स जो हमने जो टोटल जो कैटेगरी वाइज बात की थी फ्रेंड्स वो 3678 जो पोस्ट है जो जारी हुई है उसमें हमने सारी जो है कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको बता दिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें।